لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियोस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। एक और सवाल ले लेते हैं। एक भाई ने पूछा है कि क्या मर्द वैक्सिंग करवा सकता है। वैक्सिंग की जो बाल निकलवाते हैं इसको कहते हैं वैक्सिंग करवाना। आपने देखा होगा अदाकारों को कि उनके सीने के बाल ऐसे निकले हुए होते हैं, हाथों के बाल निकले हुए होते हैं, पैरों के बाल निकले हुए होते हैं। मॉडल्स शॉडल्स को भी देखा होगा और बहुत सारे लोग, हो सकता है फैमिली में भी कोई ऐसा करता हो। तो वैक्सिंग जो है इसकी इजाज़त है कि नहीं है। अब आप ये देखें कि जो बाल है ना, इंसानी बाल जो उसके बदन पर होते हैं, वो तीन किस्म के होते हैं। एक बाल तो वो होते हैं जो नहीं निकलवाने चाहिए, जिनके निकालने पर ममानियत आई है, जैसा कि लोग भवों को निकलवाते हैं, ये जो है मना है। इसी तरह दाढ़ी के बाल निकलवाना, ये भी मना है। तो ये तो दो किस्म के बाल ऐसी हो गए जो नहीं निकालने चाहिए। अच्छा, जो फिर एक किस्म होती है, ये बाल निकालने चाहिए, जैसा कि ये जो आपकी बगलों के बाल होते हैं, ठीक है, इसी तरह जो आपकी शर्मगाह के पास बाल होते हैं। अच्छा, इसी तरह मूछों का पस्त करना या मूछों का काट देना, तो ये बाल जो है आप जो है इसके अंदर हमें सबूत मिलता है कि, और बाज़े तो ऐसे हैं कि करना चाहिए। ठीक होगी बात। अच्छा, अब तीसरी किस्म उलमा कहते हैं कि जिसके बारे में ना नफी आई है कि नहीं करो, ना हुक्म आया है कि करो, ना हदीस से साबित है, ना मुस्तहब अमल है। तो अब इस मामले में बाज़े उलमा कहते हैं कि जब हमें इस बारे में मना नहीं किया गया तो यानी कि करने की इजाज़त है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि भाई जैसे कि बाज़े लोग जो है वो सर के बाल बिल्कुल मुड़ा देते हैं। बाल जब गिर जाते हैं लोगों के या बहुत कम रह जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बाल मुड़ा देते हैं और फिर छोटे छोटे बाल रखते हैं। इसी तरह जो है हाथों के, पैरों के या जिस्म के बाकी हिस्सों के बाल वो वैक्सिंग करके निकाल देते हैं। तो अब इसमें उलमा के दो कौल आ गए। एक ने कहा कि किराहियत है, नहीं करना चाहिए, बेहतर नहीं है कि इंसान उस चीज़ में तब्दीली करे जो अल्लाह ने उसे अता की है। और बाज़ उलमा का इस तरफ रुझान गया है कि भाई जब अल्लाह ने मना नहीं किया तो फिर हम क्यों मना करें। तो इसलिए इसके अंदर आपको एक से दो राय मिलती हैं। लेकिन बहरहाल अगर निकाल दें तो गुनाह कोई नहीं है, क्योंकि इस बातों इन बालों के निकालने से रोका नहीं गया। इसलिए बेसिक प्रिंसिपल है जिसके तहत उलमाए कराम ने इस बारे में ये राय भी दी है कि आप चाहे तो वैक्सिंग के थ्रू ये सीने के, हाथों के, पैरों के ये बाल निकलवा सकते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर लेज़र के थ्रू भी बाज़ लोग निकलवाते हैं, बाज़ लोग कुछ और तरीक़ों से भी निकलवाते होंगे। बहरहाल इसकी इजाज़त जो है वो यूँ आई है। वमा अलैना इल्लल बलाग़।